आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं उषा भार्गव, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत की सबसे बड़ी करेंसी और 2000 रुपए के नोट को बंद करने का बड़ा फैसला ले लिया है। आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया है। फिलहाल अभी बाजार में 2000 के नोट चलन में रहेंगे, लेकिन आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि अब सभी बैंक ग्राहकों को 2000 का नोट जारी करना बंद कर दें। आपको बता दें कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा करवाया जा सकता है। 30 सितंबर के बाद से 2000 के नोट वैध नहीं माने जाएंगे। वहीं 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में 2000 रुपए के नोट बदले जा सकते हैं। हालांकि नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपए है, एक बार में 20,000 रुपए के नोट बदले जाएंगे। वहीं आरबीआई के इस फैसले के बाद से कई नेताओं और दिग्गजों की इस तरह की प्रतिक्रिया दी गई है, जहां एक और कई नेता इस फैसले के पक्ष में नजर आ रहे हैं तो वहीं इसके खिलाफ भी हैं। इसके अलावा आरबीआई के इस फैसले के बाद कई दिग्गजों के ट्वीट भी सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अचानक ख्याल आया, नोटबंदी कर दी और भारत के लोगों की, हजारों हजार लोगों की इसमें जाने गई। अब दोबारा से 2000 की नोट को बंद करने का फैसला लिया गया है, तो क्या इस देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी को बताना पड़ेगा? आपने बोला कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, इससे सीमा पे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इससे महंगाई दूर हो जाएगी, इससे गरीबी दूर हो जाएगी। आखिर ये जो फैसले हैं, नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जनता की नीतें हराम कर रखी हैं। लेकिन 2000 के नोट चलन में पहले से ही बाहर हो गए थे, ये इस बात को दर्शाते हैं। जिस 2000 की नोट को लेकर सरकार ने अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां बताई थी, उसका बंद किया जाना सरकार की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े करता है। और मुझे लगता है जिस तरह से 2000 का नोट आज बंद हुआ है, सरकार की विश्वसनीयता को लेकर जिस तरह से कई बार फैसले बदले हैं, सरकार पर लोगों ने भरोसा करना बंद कर दिया है। अपने घरों में रख लिए थे, उन्हीं नोटों को रखकर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा सकता था, दिया जा रहा था, जिसकी वजह से आज उस नोट को जब बंद की गई तो आतंकवाद रुका और जो है देश का विकास, अर्थव्यवस्था में हम 5वें नंबर पर आ गए। तो इससे क्या होता है कि नोटों के वजह से, नोट जो रोक लेते हैं, घरों में रख लेते हैं, नोट अर्थ जो होता है वो देश के लिए होता है। अर्थ जो व्यवस्था, जो पैसा है वो पूरे देश के लिए है, सभी समाज के लिए है। तो अगर हम उसे बैंक में रखते हैं तो ग्रोथ होता है, हम व्यापार में रखते हैं तो ग्रोथ होता है, कहीं भी लगाएंगे तो ग्रोथ होगा। उसे एक तो पर्सनल किसी का विकास होगा, कंपनी का होगा, समाज का होगा, क्षेत्र का, देश का होगा, इसी को जैसे हम अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर आ गए। एकदम से ऐसा लगता है कि 8 नवंबर 2016 का वो जो भूत है वो दोबारा से खौफ खिलाने आ गया है। फिर से नोटबंदी की बातें होने लगी हैं। 2000 रुपए का जो नोट है अब वो सर्कुलेशन में नहीं रहेगा और आपके पास 30 सितंबर तक का समय है। अगर आपके पास 2000 रुपए की करेंसी है तो आप जाकर उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बार में मात्र 20,000 रुपए के ही 2000 नोट जमा किए जाएंगे अथवा बदले जाएंगे। एकदम से हड़कंप सा मच गया है, क्योंकि याद तो हो गई आपको 8 नवंबर की वो रात। मित्रों, आज रात से तो हुआ क्या था, मोदी जी ने 500 और 1000 रुपए के नोट को डीमोनेटाइज कर दिया था, मतलब प्रतिबंधित कर दिया था। यह अलग बात है कि 99% प्रतिबंधित पैसा बैंकों के पास वापस आ गया, 16,000 करोड़ रुपए मात्र आरबीआई के पास नहीं आए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि नई करेंसी छापने में ही 21,000 करोड़ रुपए खर्चा हो गए और एटीएम रिकैलिब्रेशन अलग से करना पड़ा। 2000 के नोट की छपाई बंद पड़ी थी, बाजार से गुलाबी नोट गायब था, कहीं दर्शन नहीं होता था। मैंने इस मामले को राज्यसभा में उठाया था कि 2000 के नोट को फेज आउट किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अमेरिका, यूरोप जैसी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वहाँ सबसे बड़ा डिनोमिनेशन 100 रुपये का डॉलर है, 100 डॉलर या 100 पाउंड या 100 यूरो है, तो भारत में फिर 2000 के नोट की आवश्यकता क्या है? और देखिए, जब नोटबंदी लागू हुई तो उस समय 500 रुपये के नोट को बैन किया गया था, तत्काल लोगों को मुद्रा की आवश्यकता थी और 500 का नोट तत्काल छाप कर देना संभव नहीं था, तो इसलिए 2000 का नोट तात्कालिक राहत के रूप में लाया गया था। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके इस निर्णय से गरीब आदमी प्रभावित नहीं होगा। तो
वहीं अब इस मामले पर हमारे साथ सहारनपुर से सुल्तानपुर से हमारे साथ आशुतोष जुड़ चुके हैं। तो आशुतोष, नोटबंदी को लेकर लोगों के बीच में क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, लोगों के बीच में क्या कुछ सवाल हैं इस 2000 की नोट के बैन को लेकर? उन्होंने 2000 नोट को लेकर चर्चा विषय तो बन तो गया है, सुल्तानपुर क्या और भी जिलों में भी बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे कुछ हमारे साथ मौजूद है, जनता भी मौजूद है, कुछ अधिकारी भी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे क्या है 2000 की नोट की प्रक्रिया को लेकर, जो समय दिया गया है क्या है उस पर चर्चा विषय को लेकर। नोट बंद करके गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन लिया है। हाँ, इसमें छोटे तबके बहुत खुश हैं, इसमें बड़े लोगों को जिन्होंने दबा के 2000 नोट रखी है, चाहे वो नेता नगरी हो, चाहे आईएएस लाबी हो, नोट को लेकर जो है 23 सितंबर तक समय दिया गया है, इसको लेकर क्या कहना आपको? सही है, ये समय मिलना चाहिए और जितनी भी जिनके पास 2000 की नोट है, जिन्होंने जमा की, छोटे व्यापारी हैं, उनको समय मिल जाएगा और वो अपनी चीजों को लाइन अप कर सकेंगे। किस नजरिए से आप देखते हैं 2000 की नोट को लेकर? अभी हाल में जो है ये चर्चा विषय हुआ था, जब छपा हुआ था तब चल रहा था, 2-3 महीने पे दिखाई दे रहा था जनता के बीच, अब नहीं देखने मिल रहा है। अब ये नोट को लेकर जो है, ये कम से कम साल भर पहले से वेल नोन था कि इस नोट को बंद होना है और इसकी स्ट्रेटजी ही यही थी इस 2000 के नोट लाने की, कि एक बार फिर से जो है एक सर्जिकल स्ट्राइक हो, और वो गवर्नमेंट ने किया, दैट्स वेरी नाइस। क्या लगता है मोटे व्यापारी के ऊपर जो है ऐसा असर देखने मिल रहा है कुछ? नहीं, मोटे व्यापारी पे असर हो सकता है, बट ये वेलकम स्टेप है, करप्शन को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है बड़े नोट, सो अगर हम इसको हटा रहे हैं तो इट्स वेरी गुड स्टेप। तो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सबको समझ में आएगा और ये एक वेलकम स्टेप है, गोइंग फॉरवर्ड इससे किसी को इम्पैक्ट नहीं होने वाला, लॉन्ग टर्म में सभी स्टेबल हो जाएगा। आपको क्या लगता है ऐसा कदम जो उठाया गया, क्या वो सही है गलत है? कदम ये बहुत अच्छा है, जो लोगों ने दबा के रखा हुआ है नोट उनको उसमें करप्शन में जो है परेशानी होगी, और छोटे व्यापारी जो है उनको बहुत आसानी है, हम जैसे व्यापारियों के लिए भी बहुत आसानी, हम लोग का एक नंबर का टोटल काम है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नोटबंदी से बहुत वेलकम इसका। क्या लगता है नेता नगरी से लेकर जो है 2000 की नोट जो है ज्यादातर लुप्त हुई है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? नेता नगरी के पास हमें लगता है कि सबसे ज्यादा जो है 2000 की नोटें दबी हुई हैं, जो कि जो डिसीजन लिया गया है इसके तहत वो लोग इसको बाहर निकालेंगे धीरे धीरे, और इससे मतलब सरकार को थोड़ा मदद होगी। क्या सही गलत क्या मानते हैं आप? ये सही फैसला है, ये सरकार का सही फैसला है, कोई झटके जाता नहीं? नहीं, क्योंकि सरकार ने इसके लिए टाइम भी दिया है, मुझे सबको टाइम दिया गया है इसके लिए, तो अच्छा फैसला है ये। बिल्कुल, जनता यहाँ की आप दे सकते हैं, जनता के लोगों को कहने का सुझाव यह है सरकार बहुत अच्छा फैसला रही है और समय के साथ जो है इसको जो है एक अपील भी रखा है, ये जनता की सबकी राय है। जी, तो आशुतोष, जैसा कि आपने देखा कहीं ना कहीं लोग इस फैसले को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। वही आशुतोष, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से नोटबंदी का दौर चल गया है भारत में, आपको बता दें 2000 रुपए के नोट अब बैन कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी बाजारों में ये नोट आ रहे हैं, आप अभी भी इन्हें इनका चलन बाजारों में है। आपको बता दें 4 महीने तक का आपको वक्त दिया गया है ताकि आप अपने नोटों को बदलवा सके बैंक जाके। आपको बता दें एक बार फिर से ये नोटबंदी का दौर भारत में आया है। वहीं 2000 रुपए के नोट को लेकर लोगों में कई सारी आशंकाएं हैं, कई सारे प्रश्न हैं इसको लेकर कि ये जो 2000 के नोट हैं वह कब तक बाजार में प्रचलित रह सकते हैं, हम कब तक वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या बैंक में जाकर कब तक इसे बदलवा सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुहानी जुड़ चुकी हैं लखनऊ से। तो सुहानी, एक बार फिर से भारत में ये नोटबंदी का दौर आया है, लोगों के बीच क्या कुछ प्रतिक्रिया है इसको लेकर? जी ईशा,
आपको बता दें कि जो कल जो RBI ने जो सबसे ऐलान किया कि फिर से 2000 जो कि 2016 में नोटबंदी हुआ था 16 नवंबर को, और उसके बाद 1000 का और 500 का नोट को बैन कर दिया गया था और 2000 का जो नोट है वो मार्केट में लाया गया था। और वही आपको बता दें कल RBI ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और 2000 का नोट का जो प्रचलन है वो बंद कर दिया है। आपको बता दें कि 2000 का जो नोट है वो 18-19 में ही छपना बंद कर दिया था। साफ तौर पर RBI ने ये बात कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला और का साफ तौर पर कहना है कि अब 2000 का नोट जो है वो बंद हो जाएगा और इसे अगर जो लोगों के पास 2000 का नोट है वो 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक इसको एक्सचेंज करा सकते हैं। वही इसका प्रोसेस है कि आप बैंक में जाके 20,000 रुपये करके आप अपना नोट को बदल सकते हैं। तो इसे लेकर काफ़ी जो आम जनता है उसे लेकर काफ़ी अचंभित हो गई है क्योंकि जो 2000 का नोट है अब जिसके पास भी होगा, जैसे पहले 2016 में जैसे लाइन लगा कि लोग अपना जो भी नोट था 500 और 1000 का जैसे एक्सचेंज कर रहे थे, वही अब 2000 का नोट को सुनकर जो आम जनता है काफ़ी परेशान है, उनके बीच काफ़ी आइए कुछ लोग जो है उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं जो RBI ने फैसला लिया है। सर, RBI ने फैसला लिया कि 2000 का नोट जो है बंद हो जाएगा, उसका प्रश्न नहीं रहेगा, क्या कहना है आपका? मैडम, कुछ जगह तो फायदा हुआ है, कुछ जगह नुकसान हुआ है लोगों को। जैसे कि लाइन पर लग के हम लोगों को पैसा जमा करना पड़ा, बैंकों में भी लाइन लगाना पड़ रहा था, और फायदा ये है मैडम कि इससे भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, आतंकवादी गतिविधियों को भी रोका जा सकता है और जो काला धन है उसको भी रोका जा सकता है। लेकिन सर, ये जो 1500 का नोट बंद हुआ था, कहा गया था कि काला धन इससे वापस आ जाए, 2000 का नोट आएगा, तो क्या ऐसा हुआ? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ इसका। हमको तो नहीं दिखा पर्सनली, हम लोग को पब्लिक को नहीं दिखा इसका कोई फायदा। 2000 का नोट क्या बंद हो जाएगा, तो ऐसा हो गया क्या? अब सरकार की नीति क्या है, वो क्या करना चाहती है वो सरकार ही बता सकती है, क्योंकि इसमें आम पब्लिक ही परेशान होती है। आपको ये न्यूज सुन के कैसा लगा कि 2000 का नोट बंद हो, क्या आपको लगा उस टाइम? हम लोग को थोड़ा तकलीफ हुआ कि जो पैसे रखे हुए हम फिर हम लाइन लगा के फिर उसको हम जमा करें, ये हमारे लिए चैलेंज है हमारे लिए कि फिर हम वही प्रक्रिया जो एक बार बंद हुआ था 2016 में बंद हुआ था, दोबारा हम लोग लाइन में लगे जमा किए, तो वही कंडीशन फिर आ गई, तो हम लोग परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें कितना प्रभाव पड़ सकता है मैडम? अर्थव्यवस्था का अगर हम आम पब्लिक के हिसाब से बात करें तो हमको तो कोई फायदा तो हुआ नहीं है, लेकिन राजनीतिक जो इस पे अपना निर्णय लिया है वो ठीक ही लिया होगा, लेकिन आम पब्लिक को परेशानियों का सामना के अलावा कोई फायदा नहीं होगा। जी मैम, तो और भी लोग हैं ईशा, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, आपको क्या कहना है? 2000 का नोट जो है अब प्रचलन बंद कर दिया गया है और इसे आप एक्सचेंज कर सकते हैं 23 मई से 30 सितंबर तक, क्या कहना है आपको? इसमें सरकार को ऐसा करना चाहिए, कुछ टाइम देना चाहिए था, कुछ लिमिट देनी चाहिए थी टाइम की कि उतने टाइम तक उस नोट को जो है वो कहीं भी जो है चेंज करवा सकता हो। अब अगर बैंकों पे जाएगा, लाइन लगाएगा, फिर से उसके बाद टाइम दिया गया है सर 23 मई से 30 तो बैंक में जाके लाइन लगाना पड़ेगा ना, फिर से वही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा ना सबको। तो ये सब चीजें सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो अब जैसे सरकार लाई थी 2016 में कि 1500 के नोट बंद कर दी, कहा था कि इससे भ्रष्टाचार और काला धन हमारे देश में वापस आ सकता है, क्या ऐसा आपको लगा 2016 से अभी तक का? ना भ्रष्टाचार बंद हुआ ना काला धन आया, कुछ तो दिख नहीं रहा है। अब परेशान हमेशा आम जनता ही होती है, सरकार तो फैसले ले लेती है। तो इसमें मोदी सरकार से आपको क्या कहना है, क्या अपील करना है आपको? अपील यही है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा लोगों को और जनता को ध्यान में रखते हुए काम करें। बाकी जो है जो जैसा भी है काम तो ठीक ठाक है ही है, यूपी सरकार का तो अच्छा काम चल रहा है। बाकी यूपी सरकार से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, केंद्र सरकार से आपको ये दिक्कत? हाँ, केंद्र सरकार से जो भी है थोड़ा सा आम जनता के बारे में भी सोचना चाहिए। तो ईशा, अपने तो आइए और भी एक है यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। सर, आपको कुछ कहना है? 2000 का नोट का बंद कर दिया कल ऐलान किया RBI ने, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? ये तो अच्छा ही निर्णय है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि 2000 का किस तरह से आपको अच्छा निर्णय लगा, क्योंकि पहले 2016 में भी नोटबंदी हुआ था, कहा गया था काला धन वापस आ जाएगा, क्या लग रहा आपको? 16 की जो नोटबंदी थी उसमें अगर आप देखें तो उसमें एक बार ही रात में अनाउंस हो गया कि कल से नोट बंद है, बहुत ज़्यादा भगदड़ हुआ, लाइन लगनी पड़ी। बट 2000 नोट के साथ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी नोट है वो बड़े लोगों के पास है, छोटे ग्रामीण हो गए, छोटे किसान हो गए, इन लोग को उससे ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, इन लोग के पास उस तरह के नोट नहीं है। तो आपको ये कहीं ना कहीं अच्छा साबित हो, आपको लग रहा है केंद्र सरकार जो भी, चाहे RBI ने जो फैसला लिया है 2000 का नोट वापस लेने का, वो सही हो रहा है? हाँ, अभी तो सही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले 1000 का नोट था, अभी 2000 के नोट बंडल के बंडल बहुत जगह पे मिले हैं, ट्रकों में भर के नोट गए हैं, जहाँ ऐसे मिले हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा है,
और इससे बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके पास भी जो इकट्ठे पैसे रखे हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से बैंक में आएंगे और उससे भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत तो कम होगा। क्या लग रहा है आपको अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ सकता है इस पे? काफी अर्थव्यवस्था पे तो प्रभाव पड़ेगा ही इसका, क्योंकि अगर देखिए जैसे जो भी इकट्ठा काला धन इकट्ठा होता है वो बड़े नोटों के रूप में आज की डेट में रखा, अगर आप मार्केट में देखें बैंक में जाएं तो आपको 2000 का नोट बहुत कम देखने को मिलते हैं या बैंक में कम आते हैं इसके पहले, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इकट्ठा करके रखा हुआ था पूरा पैसा, तो उसका असर आएगा मार्केट में आएगा उसका। तो देखा आपने ईशा की किस तरह से जो आम जनता है उसका, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं शॉकिंग एक न्यूज़ है और कुछ लोग का ये कहना है कि जो काला धन जो एक 2000 नोट के रूप में जो सरकार को कहीं जो ईडी छापामारी की या जो ऐसे जो काला धन मिला वो कहीं ना कहीं 2000 का बंडल के नोट मिला था और इसीलिए कहीं सरकार अपना इस फैसले पे अड़ी और ये अपना फैसला सुनाई, तो कहीं ना कहीं ये कुछ हद तक ठीक है क्योंकि जो काला धन मिल रहा था वो 2000 का नोट का ही मिल रहा था तो इसलिए RBI ने ये फैसला लिया होगा। तो मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो आम जनता के लिए आ रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो हम लोग फिर से जो 2016 में जो परेशानी उठाई अब फिर से वो हमें परेशानी उठा सकती है, तो कुछ लोगों को नाराजगी और कुछ लोग अपने इस जो RBI के इस फैसले से कुछ लोग सही भी कह रहे हैं। जी ईशा, तो सुहानी कहीं ना कहीं लोगों में डर है इस नोटबंदी को लेकर कि एक बार फिर से डिमोनेटाइजेशन की तरह ही बैंक में लंबी लाइनें लगानी पड़ेगी और कहीं ना कहीं लोग इस फैसले को अपनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं क्या कुछ असर पड़ सकता है अर्थव्यवस्था पर इस नोटबंदी का? जी शाह, आपको बता दें कि वही जो लोग थे आपने खुद सुना कि किस तरह से लोग का कहना है कि अर्थव्यवस्था पे काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि जो छोटे लोग तबके के लोग हैं उनके पास तो कुछ हद तक 2000 का नोट नहीं होगा लेकिन उससे प्रभाव पड़ सकता है। वही आपको बता दें जो विपक्ष पार्टी है उन्होंने जब से यह फैसला सुना है वो पूरी तरह से जो है केंद्र सरकार पर हमला कर रही है। उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो हमने सोचा था वो सही साबित हुआ, ये सिर्फ छोटे लोगों का जो हक मारना उन पर दबाव देना तानाशाही करना ये सरकार का काम हो गया है क्योंकि पहले भी 2016 में नोटबंदी करते लेकिन ये इसको नोटबंदी नहीं कहा जाएगा, इसको यही कहा जाएगा कि 2000 का जो नोट था उसका जो चालन है वो बंद कर दिया जाएगा। और उसके RBI ने पहले ही कह दिया था कि 2018 और 19 में ही हम इस 2000 नोट का छापरा बंद कर दिए थे क्योंकि कहीं ना कहीं इससे भ्रष्टाचार जो है और फैल रहा था। जी निशा, तो जी सुहानी, तो और कुछ जो लोगों के बीच डर है, लोगों के बीच कुछ सवाल है कि बैंक जाकर क्या कुछ चार्ज लग सकते हैं इनको नोटों को बदलवाने के लिए या कितने नोट हैं जिन्हें बैंक में जाके बदलवाया जा सकता है, कितनी सीमा तक नोट बैंक में जाकर बदलवाए जा सकते हैं? जी शाह, आपको बता दें कि नोटबंदी का जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा केंद्र जो RBI उसने कहा है कि आप एक बार में 20-20 हज़ार रुपये करके अपना जो नोट है जो एक्सचेंज कर सकते हैं। वही आपको 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक इतना लंबा समय दिया गया है क्योंकि जो आम जनता है या जो भी बड़े लोग हों उन्हें जो एक्सचेंज करने में उन्हें कोई परेशानी ना हो। और वही आप जो बात कर रही हैं कि इस पर कोई अधिक जो चार्ज लग सकता है तो ऐसा कुछ नहीं RBI ने कहा है बिना चार्ज के जाके, लेकिन हाँ अगर जैसे चेंज करने में अगर कोई परेशानी हो सकता है तो उसका नहीं है, लेकिन कोई चार्ज के बिना आप 20-20 हज़ार रुपया करके अपना जो 2000 का नोट है आप एक्सचेंज कर सकते हैं। जी ईशा जी सुहानी, तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें इस नोटबंदी को लेकर लोगों में कहीं डर है तो कहीं लोग इसे खुले दिल से स्वीकार भी कर रहे हैं। वही लोगों के अंदर ये डर है कि क्या इस नोटबंदी से एक बार फिर से डिमोनेटाइजेशन की तरह लोगों को बैंक में लंबी लाइनें लगानी पड़ेंगी या फिर जो ये नोटबंदी है ये कब तक रहेगी या ये नोटबंदी अभी से ही शुरू है या फिर इस नोटबंदी में अभी कुछ समय है, क्या लोग अभी से ही बाजार में 2000 का नोट आना बंद हो गया है क्या या फिर कुछ समय तक आप 2000 के नोट का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे बहुत से सवाल हैं लोगों के अंदर। आपको बता दें तो ये जो नोटबंदी का दौर है ये फिर से एक बार आ गया है भारत में। वहीं 7 साल बाद फिर नोटों पर चर्चा की जा रही है। आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक के इस फैसले के बाद से ही लोगों में
डर देखने को मिल रहा है तो कहीं लोग इस फैसले को अपनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया गया है। फिलहाल अभी बाजार में 2000 के नोट चलन में रहेंगे, लेकिन आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि अब भी बैंक ग्राहकों को 2000 का नोट जारी करना बंद कर दे। आपको बता दें कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है। वही 30 सितंबर के बाद से ये 2000 के नोट जो हैं वो वैध हो जाएंगे, लेकिन अभी इन नोटों का चलन बाजार में रहेगा। आपको बता दें 3-4 महीने का आपके पास समय रहेगा कि आप इन नोटों को बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ मेरठ से राजन सोनकर जुड़ चुके हैं। तो राजन, वहां पे मेरठ में लोगों में क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है इस नोटबंदी को लेकर? देखिए, बिल्कुल आरबीआई के आदेश के बाद में जो 2000 के नोट है वो वापस देने का जो फैसला लिया है उसने पूरे देश भर में हड़कंप मचा दिया। वो लोग खास तौर से इस चीज को लेकर परेशान है जिनके पास ब्लैक मनी होगी या हद से ज्यादा अवैध पैसा होगा, वो काफी ज्यादा परेशान देखने को मिलेंगे। लेकिन हम मेरठ के लोगों से जान लेते हैं, मेरठ की जो जनता है उनसे बातचीत कर लेते हैं। कुछ युवा मेरे साथ में मौजूद है। 2000 के नोट को वापसी लेने का जो आरबीआई ने फैसला लिया है उसको लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, हमारे साथ में युवा मौजूद है, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल गौड़कर है। क्या कहना चाहेंगे? आरबीआई ने फैसला लिया है कि 2000 के नोट वापस कर लिए जाएंगे। बस यही कहना चाहेंगे, जो भी फैसला लिया गया होगा वो सोच समझ के लिया गया होगा। दिक्कत परेशानी हमें कुछ नहीं है, दिक्कत परेशानी सिर्फ हमें होगी जिन्होंने 2000 के नोट की गठिया जमा कर रखी है, काला धन जमा कर रखा है। बाकी जो भी फैसला लिया गया होगा सोच समझ के लिया गया। बिल्कुल, तो बताया जा रहा है कि 20,000 रुपए यानी कि 2000 के 10 नोट ही एक ही बार में बदले हैं, तो क्या ये फैसला सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ेंगी? कुछ आपके मन में कुछ सवाल है सरकार को लेकर, इस आदेशों को लेकर क्या कहना चाहते? बस यही कहना चाहेंगे कि 10 नोट के लिए बता दिया गया है, लाइन में लगना भी पड़ेगा, कोई बात नहीं, थोड़े बहुत दिन दिक्कत परेशानी भी होगी, लेकिन इससे ये तो पता चल जाएगा कितना धन लोगों के पास, कितना अवैध पैसा जमा है, बाकी कोई दिक्कत परेशानी। बिल्कुल, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं आरबीआई के फैसले को लेकर? हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो 2000 का नोट जिन लोगों के पास है, जिन पर काला धन जमा है, उन लोगों को परेशानी होगी, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। जो ब्लैक मनी स्टोर करके रखे हुए हैं उन लोगों को परेशानी है, 2000 का नोट बंद होने में हम लोगों को इससे कोई दिक्कत आ सकती नहीं है। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं क्या उनको परेशानी होने वाली है या नहीं होने वाली है, इस पर क्या कहेंगे? परेशानी होने वाली है, अगर उन्होंने अवैध पैसा जमा कर रखा तो उनको जरूर परेशानी होगी। अगर बात करें कि जिन 10,000 रुपए की नोट बदले जाएंगे तो उनको आने वाले समय में बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। आप क्या कहना चाहते हैं बताइए, मैं आपसे एक बार और पूछता हूँ, युवा है और इस देश का भविष्य है, युवा किस तरीके से देख रहे हैं सरकार के इस फैसले को? क्या ये फैसला सही है, गलत है, इसमें कोई संशोधन होना चाहिए? देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है, बाकी जो भी हो रहा है हमारे अच्छाई के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है हमारी भलाई के लिए हो रहा है, धीरे धीरे इसी वजह से तरक्कियाँ होती है, बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यही कहना चाहूँगा, जो भी हो रहा है हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर यहाँ के युवाओं का यही कहना है इसकी सरकार का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है और इस तरीके के फैसले समय समय पर आने चाहिए। और लोगों ने यह भी कहा है कि अगर लाइन में लगना पड़ेगा, 2-4 दिन परेशानी उठानी पड़ेगी, तो वो भी हम उठाने के लिए तैयार हैं। जी, तो धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। तो आपको बता दें वही 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में 2000 रुपए के नोट को बदला जा सकता है। हालांकि नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपये है, वहीं एक बार में 20,000 रुपये के नोट बदले जाएंगे। तो वहीं लोगों में इस चीज़ को लेकर कहीं डर देखने को मिल रहा है तो कहीं कहीं ना कहीं लोग इस फैसले को अपना भी रहे हैं। लोग लंबी लाइनों में लगने से कहीं ना कहीं डर रहे हैं तो कुछ लोग इसको सही फैसला मान रहे हैं। वही आरबीआई के इस फैसले के बाद से कई नेताओं और दिग्गजों की भी प्रतिक्रिया आ रही है। आपको बता दें जहां एक और कई नेता इस फैसले के पक्ष में नजर आ रहे हैं तो कई इस फैसले के खिलाफ भी हैं। इसके अलावा आरबीआई के इस फैसले के बाद कई दिग्गजों के ट्वीट भी सामने आए हैं जिसमें उन्होंने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें विपक्ष का एक अलग राजनीति देखने को मिल रही है इस मुद्दे पर।
जहां विपक्ष अपनी राजनीति गरमाने की कोशिश कर रहा है इस मुद्दे को लेकर। तो प्रयागराज से हमारे साथ पवन पटेल जुड़ चुके हैं। तो पवन पटेल, इस नोटबंदी को लेकर प्रयागराज में क्या रुख देखने को मिल रहा है लोगों का? जी बिल्कुल ईशा, जिस तरीके से अगर हम बीते वर्षों की बात करें, जब 1000 और 1000 और 500 की नोट जब बंद हुई थी, तो उस तरह उस समय लोगों को हालांकि तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन जब बीते कल जब जिस तरीके से सरकार ने जब यह आदेश जारी कर दिया कि 2000 के जो नोट है अब वो बंद हो जाएंगे, हालांकि 30 दिसंबर तक लोगों को ये नोट बदलने है, वो हम जानेंगे कि लोगों का क्या राय है या लोगों को किस तरीके से इससे परेशानी हो सकती है। तमाम तरह की जो बातें हैं, चूंकि जो बाजारों में तमाम तरह का, हालांकि समय अगर मौजूदा समय की बात की जाए तो मौजूदा समय अभी सहाला का सीजन चल रहा है, शादी ब्याह तमाम तरह पे जो है तमाम स्थानों पर शादियों का सीजन है, लेकिन ऐसे में जो लोग हैं उनको किस तरीके से 2000 के नोट बंद होने में किस तरीके से उनको परेशानी होगी या किस तरीके से लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, हम इससे उनकी राय लेंगे। क्या नाम है आपका और हम आपसे बातचीत करेंगे। ठीक, जब सरकार ने 2000 के नोट बंद किए हैं, इसमें आम लोगों को या व्यापारियों को किस तरीके से क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है? फायदा नुकसान की कोई बातें नहीं, जब 2000 के नोटे मार्केट में है ही नहीं, तो बड़े पूंजी और नेतागण, जो बड़े पूंजी और नेतागण है उसको दबा के रख लिया, तो मतलब ठीक है बंद ही रहना चाहिए। जब मार्केट में नोट चल ही नहीं रही तो मतलब क्या उसमें, भाई सब बड़े पूंजी वाले और बड़े बड़े नेता सब उस नोट को दबा के रखे हैं। हम तो आज मार्केट में कहीं नोट 2000 नोट हमको एक एक दो दो महीने पे दिखती है, तो उस जो जो नोट दिख नहीं रही तो उसको बंद करने में अच्छा है, अच्छा ही है ना, क्या मतलब चलेंगे? क्योंकि आप व्यापारी भी हैं, आप व्यापार भी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि सरकार का ये फैसला है? ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमें तो लग रहा है बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि जब वो मार्केट में दो चीज चलन में मार्केट में है ना, तो ठीक है बंद रहे भाई, हम दुकानदार हैं, लेकिन हमको महीना 2-4 महीने में काट नोट 2000 दिखती है, तो मतलब नहीं है। अगर दो चीज चलेंगे तो ठीक बंद अच्छी है, बंद कर दिया जाए, हम लोग सारा दिन लग रहे हैं, उन बैंक में तो आ जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि 2000 के नोट बंद होने से चालक हम वापस आएगा? बनी बात है, जो जो स्टॉक करके रखे हैं वो बाहर मार्केट में निकल आएगा पैसा। देखिए अभी आप ज्यादा नहीं, आप 2 महीने बाद देखिए बैंक में पैसा हो जाएगा, गारंटी मेरी, देख लीजिएगा 2 महीने बाद। हालांकि 30 दिसंबर तक का समय भी दिया गया है, तो क्या लग रहा है कि ठीक है 30 दिसंबर तक, ठीक है हम लोग जल्दी से जल्दी जल्दी लोग जमा तो करेंगे बैंक में, जल्दी जल्दी जमा करेंगे, अच्छी बात। बिल्कुल ईशा, देखिए यही तस्वीरें हैं, यहाँ पे लोग हैं, ये इस तरीके से लोगों का जो कहना है कि सरकार का ये जो फैसला है वो कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है, लोगों का कहना है कि जो काला धन है वो वापस आएगा, और जिस तरीके से 30 दिसंबर तक का समय भी दिया गया है, ऐसे में लोगों की ये भी प्रतिक्रिया है कि जो समय है वो निश्चित रूप से अनुकूल है, इतने समय में जिनके पास 2000 के नोट है वो उसको आसानी से वापस कर सकते हैं। और भी लोग हैं, अब व्यापारी उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के जो है जो नोटबंदी है, नोट बंद करने का सरकार ने आदेश कर दिया, आपको क्या लग रहा है ये फैसला सही है? हाँ सही है, ये फैसला बिल्कुल सही है, 2000 की नोट जो बंद की गई है, और नोट जितने दबे थे सारे यही बहाने निकलेंगे जितने भी हैं। बिल्कुल, तस्वीरें आप देख रही हैं ईशा, ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं, और ये जो व्यापारी टाइप के लोग हैं जिनका व्यापार है, बाजार है, दुकानें हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार का ये फैसला है ये कहीं ना कहीं काला धन वापस लाएगा, और जिस तरीके से 30 सितंबर तक के लिए नोट बदलने का समय दिया गया है, ऐसे में लोगों का ये भी कहना है कि यह जो समय है वो निश्चित रूप से जो जिनके पास इस तरह के जो नोट है या जो काला धन है वो वापस आएगा, नोट बदलने का जो समय है ये काफी इनके लिए अनुकूल होगा। जी ईशा, कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर स्वीकार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कुछ ना कुछ सवाल हैं, उनमें कुछ ऐसे सवाल हैं कि क्या केवल जिन बैंकों में उनका खाता है तो क्या केवल वहीं जाके वो अपने नोट बदल सकते हैं, या फिर किसी भी बैंक में जाके वो अपने नोट बदल सकते हैं, ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल ईशा, देखिए जिस तरीके से अभी जो गाइडलाइन आई है इसमें ये भी कहा गया है कि जिनका खाते नहीं भी है वो भी किसी भी बैंक में जाके अपने 2000 के नोट को बदल सकते हैं,
और जो 30 सितंबर तक का समय दिया गया है ये इसलिए भी दिया गया है कि जो लोग हैं जो दूर दराज है जो अन्य देशों में रहते हैं या जिनके पास किसी भी तरीके से पैसे आने के या पैसे उनके पास बैंक में या खाते में या किसी भी तरीके से है उनको ये बदलने का समय दिया गया है। हालांकि अगर सवालों की बात करें तो जब बीते कई वर्षों पहले जब 2000 और 500 के नोट बंद हुए थे उस समय जो लोगों को परेशानी हुई थी ऐसी जो परेशानी है वो शायद अब नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें जो लोगों की राय है वो कहीं ना कहीं ये भी महत्वपूर्ण है। जो लोगों का कहना है कि 2000 के नोट हैं जब से ये बाजार में आए हैं तब से बाजारों में 2000 के नोट ज्यादातर लोगों को देखने को नहीं मिले हैं। ऐसे में लोगों का ये मानना है कि जो 2000 के नोट हैं वो बड़े बड़े व्यापारियों के पास है या जिनके पास काला धन है उनके पास है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों की राय है ये भी महत्वपूर्ण है कि जो काला धन है इसको वापस लाने में 2000 के नोट बंद होने की अहम भूमिका हो सकती है। जी धन्यवाद इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए पवन। तो आपको बता दें जहां लोगों के मन में कई सवाल हैं तो कहीं लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि क्या केवल एक ही बैंक या किसी एक ही जगह जाकर वो अपने पैसे बदलवा सकते हैं या किसी भी बैंक में जाके वे अपने नोट बदलवा सकते हैं या वो कितनी सीमा तक अपने नोटों को बदलवा सकते हैं। ऐसे बहुत से सवाल हैं लोगों के बीच इस नोटबंदी को लेकर। वहीं लोगों का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं इस नोटबंदी से जो काला धन है वो भी सामने निकल कर आएगा। इस नोटबंदी से लोगों कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है उसमें भी कमी आएगी। तो कहीं लोग ये भी मान रहे हैं कि जो ये एक नोटबंदी है ये केवल पहले की जो भूल थी सरकार की वो ठीक करने का एक जरिया है। जो पहले 2000 के नोट सरकार द्वारा लाए गए थे वो ही अब फिर से एक बार बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें इस क्लीन नोट पॉलिसी के तहत जो ये 2000 के नोट बंद कर दिए गए हैं। तो वहीं अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कानपुर से उपेंद्र जुड़ चुके हैं। तो उपेंद्र, कानपुर में लोगों का क्या कुछ रुख है इस 2000 की नोटबंदी को लेकर? जी अगर इस बात की बात की जाए नोटबंदी तो पूरे देश में जो है चेष्टा माना था कानपुर क्योंकि सारे कानपुर में है। और बात रही 2000 की नोटबंदी की बात की जाए तो 2016 में जब नोटबंदी जब ये नोट चालू हुआ था लागू हुआ था भारत के संविधान के अनुसार RBI की गाइडलाइन के अनुसार उसका भी गाइडलाइन जो है लगभग 4-5 साल तक की इसका जो वैलिडिटी थी इस नोट की। पर सही अगर बात की जाए तो जब ये नोट बना था तब ये नोट 33% जो है मार्केट पर लागू कर दिया गया था और पूरी तरीके से अगर देखा तो वर्तमान समय में RBI के पास या बैंक की बात की जाए तो 10% जो नोट है वो केवल बैंकों पर चलन में नजर आ रहा है। और बात की जाए 27% नोट जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं अगर ब्लैक काले धन के रूप में जो है वो जमा हुआ है। बात इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अगर सरकार चिंतन की बात करती है तो अगर इसमें जो 2000 के नकली नोट जो है उसको लेकर के भी ये बहुत बड़ा जो मुद्दा है इसको उठाना क्योंकि 2000 के नोट जो है मार्केट में काफी नकली नोट जा रहे थे इसको लेकर के जो है RBI ने जो उपलब्धियां है वो अच्छी। पर अगर बात की जाए तो पिछले की जो नोटबंदी हुई तो उसको लेकर के जो सरकार के दावे थे नोटबंदी को लेकर काला धन वापस लाएंगे पर ऐसा अभी तक कुछ नहीं आया। पर लोगों के आम जनमानस है हमारे साथ जुड़े हैं बताएंगे कि किस तरीके से लेकर 2000 के नोट जो बंद हुए हैं उस पर क्या कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु है। हिमांशु जी, 2000 के नोट जो है बंद हुए हैं मार्केट पे मतलब बंद क्या हुआ है पूरी तरह से सरकार ने 30 सितंबर तक जो है अपडेट कर दिया गया है कि आप जो नोट है आपके पास है वो जमा करें इस पर क्या कर रहे हैं? देखिए पिछली बार 2016 में 500 नोट की बंदी हुई थी उससे काफी लोगों ने परेशानियां झेली हैं और मध्यम वर्ग के लोग भी अगर देखा जाए तो सरकार अभी तक बहुत से वादे थे अभी तक पूरे नहीं हुए। देखा जाए तो 2000 का जो नोट की लोगों के जो काले अब सामने आएगा काला धन की और उसके बाद तो सबसे बड़ी ये आम जनता को पड़ती है आम जनता मार पड़ती है। व्यापारी वर्ग के लोग जो व्यापार लॉकडाउन में काफी परेशान थे और उसके बाद अब जब आया है कुछ धन 2000 के नोट वाली वो बात आ गई लेकिन उसपे भी समय दिया गया। पिछली बार 2016 में जो 500 के नोट आई थी समस्या उस पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस पर तुरंत ही ये सब लागू हो गया था लेकिन इसमें समय दिया गया है समय में अगर जो कर पाएगा भाई नोट बाकी काला धन तो छुपा नहीं पाएगा कोई इस बात।
वही अगर बात की है तो लोगों को साफ कहना है कि जो 2000 के नोट बंदी को लेकर के लोग जो है पूरी तरीके से एक्टिव है और लोग अभी 30 सितंबर से लेकर लगातार जो है वो नोट बंद को लेकर के पूरी तरीके से सक्रिय है और हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? सोनल श्रीवास्तव। सोनल जी, किस तरीके को लेकर जो नोटबंदी है, नोटबंदी को लेकर सरकार की क्या मंशा थी और जो मंशा भी है कहीं ना कहीं देखा है तो नोटबंदी को लेकर के काफी नकली नोट मार्केट में आ चुके हैं, उसको लेकर के सरकार ने किया, इस पर अब जो है आम जनमानस है वो बैंकों में लाइन लगेगा, इसका वो क्या खासा दिक्कत आएगी? देखिए ये तो प्रॉब्लम की बात है भाई, एक बार चालू होता है नोट, एक बार बंद होता है नोट, यार ये ऐसा रहेगा तो आम पब्लिक के लिए तो दिक्कत होगी भाई। चलिए कुछ के पास है कुछ के पास नहीं है, पर ये जिनके बड़े व्यापारी लोग जो पैसा छुपाए बैठे हैं, जो नोटबंदी 2000 के नोट जो गायब हो गई, डंप हो गई, ये पैसा कहाँ गया? ये पैसा हम लोग के पास नहीं आया, अदर लोगों के पास गया। हम आम आदमी पब्लिक गए, ये 10-12 हजार रुपए रखे हैं 2000 के, वो जमा कर देंगे। हम लोग का दिक्कत तो हम लोग को कहीं ना कहीं देखा जाए पहले 33% नोट लॉन्च हुए, रिलीज हुए, आज 10% रह गए हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये डंपिंग कहीं ना कहीं की गई है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है हम लोग के साथ जो पैसे को रख लेते हैं पर चेकआउट नहीं करते ना कुछ कर रहे हैं। भाई पैसा अगर टर्निंग में है तो टर्निंग में दिखे, टर्निंग में दिखते ही नहीं है पैसा। क्या ये केंद्र सरकार की जो लोकसभा 2024 में चुनाव आने वाले हैं, क्या ये पब्लिक के लिए कोई नया लॉलीपॉप है क्या? शायद ये तो कहा जा सकता है क्योंकि कुछ भी है तो कुछ अलग ही है, केंद्र सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, ये इसके लिए लागू तो किया है 2000 की नोटबंदी का, पर ये देखते हैं कितने लोगों के पास अब कितना निकलता है। पहले वाली जो सरकार निकाली कूड़े में गया कुछ पैसा, कूड़ा यहाँ गंगा जी में बहाया गया, कहीं ना कहीं पैसा डंप हुआ, कहीं ना कहीं फेंका गया। भाई ये बर्बादी ना करें, अगर ऐसे ही हेल्प करें फेंकने से अच्छा हम कहेंगे कुछ गरीबों को दे के कुछ हला भला हो जाएगा उनका भी। अब ऐसे क्या करेंगे हम लोग, इधर उसका उधर पैसा फेंक देते हैं लोग, भाई बैंक में नहीं, भाई टैक्स लग जाएगा, ये लग जाएगा, हम कहेंगे गरीब पे शुरू आप क्लियर करवाइए नोट, पर ये नोट पूरा बनना चाहिए। क्या इस तरीके से अगर बात की जाए तो जो 2000 नोट को लेकर के जो आम जनमानस है वो पूरी तरीके से जो है एक्टिव हो चुका है, क्योंकि देखा जाए कहीं ना कहीं जो लोगों के पास पैसा है वो खाता धारक जो बैंकों का है वो पूरी तरीके से जमा करने के लिए तैयार है। तो बिल्कुल उपेंद्र, कहीं ना कहीं लोगों को ये भी डर है कि कहीं डिमोनेटाइजेशन की तरह ही इस बार भी कहीं ना कहीं पैसों के जले हुए नोट या फिर ये बंडल 2000 के जले हुए बंडल ऐसे मिल सकते हैं, पैसों का एक तरह से बर्बादी देखी जा सकती है इस बार भी डिमोनेटाइजेशन की तरह ही। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से जब 2000 नोट का नया लॉन्च हुआ था तब 6.5 लाख करोड़ जो नोट है वो प्रिंटिंग हुई थी, पर वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो जो प्रिंटिंग है वो 3.5 लाख करोड़ पर एक मार्केट में चलन है। वही कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नोट जो मार्केट में चल रहा है उसकी जो दर है वो लगातार कम होती चली जा रही है पूरी तरीके से। जी बिल्कुल, धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए उपेंद्र। तो आपको बता, इस नोटबंदी को लेकर लोगों में कई सवाल हैं, अभी भी लोगों के बीच कहीं डर है तो कहीं लोग इसे अपनाते हुए दिख रहे हैं, कहीं लोगों को लग रहा है कि इससे काले धन को लेकर कहीं ना कहीं रोक लगेगी, वहीं बाजार में 2000 के नोट क्या आने बंद हो जाएंगे, लोगों को ये भी लग रहा है कि अभी 4 महीने का वक्त है लेकिन अभी से ही बाजार में कहीं ना कहीं 2000 के जो नोट हैं वे आने बंद हो जाएंगे, लोगों के बीच इस 2000 के नोट का प्रचलन कहीं ना कहीं अब कम हो जाएगा, लोगों में ये डर है। आपको बता दें वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंबेडकर नगर से राहुल जुड़ चुके हैं। तो राहुल, अंबेडकर नगर में लोग क्या देख किस तरह से देख रहे हैं इस नोटबंदी को? जी ईर्षा, हम आपको बता दें कि कुछ लोग इस फैसले को स्वागत भी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ लोग इस फैसले से नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं और ये इन पर सिलसिलेवार तरीके से मैं 3 पहलुओं पर आपका और अपने दर्शकों का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। सबसे अहम बात है कि नोट का जो है बिना किसी पहले एहतियातन रूप में बता दिया गया होता तो शायद लाइन लगाने की कतार नहीं आती, नौबत आन स्पॉट फैसला लेना ये कहीं ना कहीं
एक तरीका ये सही नहीं है, चाहे आरबीआई का हो या फिर चाहे सरकार का रहा हो। तीन तीन और मैं सिलसिलेवार तरीके से हम लोग को अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। ईसा जी, इस नोटबंदी से, 2000 की नोटबंदी से आरबीआई ने फैसला ले लिया है और निर्देश भी दिया है और अन्य शाखा बैंकों को, तो इससे तीन लोगों को परेशानी होगी। नंबर एक, जो ब्लैक मनी रखे हैं करोड़ अरबपति में है, तो उनको दिक्कत ज्यादा होगा। और जो नौकरी चाकरी करते हैं सरकारी संस्थान से किसी न किसी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी कुछ न कुछ परेशानियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और जो व्यापार है उनको भी कहीं ना कहीं व्यापार संबंधित दिक्कत आएगी, जैसे कि हमारे का आप पीछे का भी नज़ारा देख पा रहे होंगे। मैं इस समय अदनान जो फर्नीचर का काम करते हैं, मैं वहां से लाइव पर हूं और इन्हीं से मैं जान लेता हूं, दुकान के मालिक है, ताकि इस आरबीआई के फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं। आरबीआई का फैसला हो या सरकार का फैसला हो, फैसला आज किया नहीं जा रहा है, फैसला जनता को थोप दिया जा रहा है। इससे पहले भी नोटबंदी हुई है, आतंकवाद पे चोट लगेगी तो भ्रष्टाचार पे चोट लगेगी, उसके बाद भी सब हमले हुए हैं और भ्रष्टाचार में लोग पकड़े गए हैं। और इस तरह से हमें नहीं लगता है कि दोबारा नोटबंदी से ऐसा कुछ असर आएगा खास तरीके से। और जो बड़े लोग हैं वो लोग ठीक है, ब्लैक मनी जो रखे होंगे वो निकाली जाएगी, लेकिन बहुत मात्रा में नहीं है। सरकार को जनता को परेशान करने का सिर्फ षड्यंत्र मान रही है सर, और इससे ज्यादा हमें जानकारी नहीं है। ये कोई बहुत ज्यादा प्रभावशाली ये फैसला नहीं है। देखिए, जैसे कि ये दुकान के फर्नीचर के मालिक है, इनका कहना जो भी था आपने ईसा जी सुनी लिया, नाराजगी जाहिर सी बात व्यक्त करते नजर आए। हालांकि कुछ लोग इससे खुशियां भी मना रहे हैं, इसको दिल अलग रूप रंग रेखा में लेकर जा रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि नोटबंदी के जब जब हुआ है नोटबंदी, तब तब आम आदमियों को ही सारी दुख दर्द भुगतना पड़ा है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं और जो लोअर क्लास के लोग हैं, हाई फाई क्लास वालों के लिए तो कोई वैसे खासा वो नहीं रहता, उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास दो ऐसे लोग हैं जिनको दिक्कत होती है। जी ईसा, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस नोटबंदी का असर राहुल कारोबारियों पर भी देखने को मिल रहा है, उन्हें भी कहीं ना कहीं इसका नुकसान झेलने को मिलेगा, क्या है उनका रुख इस चीज को लेकर? ईसा जी, पहले तो मैं आपका ध्यान एक बार और केंद्रित कराऊंगा कि बीच में भी न्यूज आया था, सामने आई थी खबरें निकल करके, 2000 का नोट नहीं मिल रहा था, जिसको लेकर चैनल तमाम चैनल ने इस मुद्दे पर भी खबर चलाई थी। और रही बात अगर अम्बेडकर नगर में व्यापारियों को लेकर इस आरबीआई के फैसले को लेकर के, तो आपको बता देना चाहता हूँ, व्यापारी जहाँ तक है कोई भी जात मजहब के हों, वो खुश होते नजर नहीं आ रहे हैं। और जैसे कि हमने पहले भी कहा दिया, कोई भी फैसला लेना चाहिए आज स्पाट फैसला नहीं लेना चाहिए, उसमें एहतियातन के रूप में कोई सलाह राय मशवरा होना चाहिए। यह नहीं कि आपने फैसला सुना दिया बस हो गया। मानता हूँ सरकार या फिर आरबीआई जो भी करती है वो कहीं ना कहीं गरीब मजलूम या फिर कोई भी को समझ के, लेकिन जरूरत है पहले बता रहे क्या करने की, फला डेट में बंदी है आज भी, ताकि खड़ी मतलब बैंक काम भी कार्य न ठप हो, व्यवसाय भी न ठप रहे। ऑन स्पॉट ऐसे डेट भी निर्धारित कर दिया गया है कि ऐसे नहीं लिए जाएंगे 30 दिसंबर तक का, ये ऐसे डेट निर्धारित कर दिया गया है। जी त्रिफला, ईसा जी, जी बिल्कुल। तो जो महिलाएं हैं, जैसा कि डिमोनेटाइजेशन के समय पे देखा गया था, जो महिलाएं थी उनके पास से कई पैसे निकले थे, जो उनके पास कुछ छुपे हुए कुछ पैसे थे, उनकी खुद की कुछ पैसे थे जो निकले हुए थे, क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, महिलाओं के पास से कुछ ऐसे ही नोट या फिर कुछ ऐसे ही पैसे देखने को मिलेंगे? बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने बताया आपको, जो मिडिल क्लास बोले तो जो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर अधिकारी पोस्ट पर हैं, या फिर लोअर पे हमने बात किया, मिडिल और लोअर जो ये हैं, इनके जो परिवार जन हैं कहीं ना कहीं जो पैसा छुपा के, उनकी वाइफ जो जो, जो बिजनेसमैन हो या व्यापार संबंधित हो, उनकी जो मिसेज होती हैं वो जो पूंजी राशि बचती है उसको चुरवा के रख लेती हैं। अंत में ये फैसला आ जाने के बाद तो ये तो तस्वीरें आना सही है ईसा जी, कि इस बार भी वही तस्वीरें होंगी। और शायद हमें लगता है नोटबंदी के जब नोटबंदी में वो हालत हुई थी, वो हालत हुई थी नोटबंदी के बाद, कितनी लाइनों की कतार थी, लोग किस हद तक गुजरे थे परेशानियों से, उसको बताने की जरूरत नहीं, हमारी जनता जनार्दन जान चुकी है। और अब की बार भी ऐसा ही कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आएंगी, बैंक कामों में भी अड़ंगा आएंगी, और भी जनता के लिए कुल मिला के ये फैसला अच्छा नहीं माना जा रहा अम्बेडकर नगर में।
जी बिल्कुल बिल्कुल, इस खबर पर जानकारी के लिए धन्यवाद राहुल। तो आपको बता दे इस नोटबंदी का असर कहीं ना कहीं घरेलू महिलाओं पर भी पड़ सकता है, आपको बता दें, और कहीं ना कहीं इसका असर कारोबारियों पर भी पड़ सकता है। जो कारोबारी हैं उन्हें कहीं ना कहीं कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है इस नोटबंदी को लेकर। तो वहीं कुछ कारोबारी इसे अपनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, हर जगह अपनी एक अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, आपको बता दें। वहीं सरकार ये दावा भी कर रही है कि कहीं ना कहीं इससे करप्शन में भी कुछ कमी आएगी, आपको बता दें। वही अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जिशान जुड़ चुके हैं आगरा से। तो जिशान, क्या लगता है कितने क्या कुछ इसका असर पड़ सकता है, इस नोटबंदी का क्या कुछ असर पड़ सकता है? देखिए बिल्कुल, मैं बता दूं, आरबीआई के द्वारा कल रात से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें आरबीआई ने एक लेटर जारी किया जिसमें बताया गया कि 2000 के नोट बिल्कुल प्रतिबंध हो जाएंगे और इसकी समय सीमा जो जमा करने की समय सीमा बताई गई है 30 सितंबर तक नोट अपने जो आम जन है वो अपने नोट बैंकों में जमा कर सकते हैं। इस वक्त हम एसबीआई बैंक के बाहर खड़े हैं, कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। रात को फैसला लिया गया आरबीआई के द्वारा नोट जी सर, कुछ कहेंगे कैसा मानते सर? इतना जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा समय भी देना चाहिए और इतना जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाता है। अगर आरबीआई ने फैसला लिया है तो ठीक है, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन इसकी जो समय सीमा है वो बढ़ानी चाहिए। नहीं, समय सीमा की अगर बात करें तो तकरीबन 4 महीने का समय दिया गया है नोट चेंज करने के लिए। अच्छा, इसमें कुछ चीज मान लो बिंदु है, जैसे कि अगर ये मार्केट में चलन इसका बंद कर दिया है, वो मेरे हिसाब से मार्केट में चलन बंद नहीं करना चाहिए, मार्केट में भी पैसा चलना चाहिए। हर व्यक्ति बैंक नहीं आ सकता, जो गांव देहात से लोग जुड़े हैं वो कैसे आ पाएंगे, तो वो चलन है इसका जो प्रॉपर तरीके से रहना चाहिए, चालू रहेगा। चालू है, बैंकों में जमा कर सकते हैं और मार्केट में भी चालू रहेगा सर्कुलेशन, बाकी सब ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ फैसला ठीक है, बट अगर जो अब जो नोट जो बना है वो थोड़ा सा कागज उसका ठीक होना चाहिए, जो नए नोट है 2000 के या 500 के हो, कोई भी हो, अगर एक बार अगर धुल जाए कपड़ों में तो नोट खराब हो जाता है। मैं सरकार से बस यही कहना चाहूंगा, नोट थोड़ा सा अच्छा छापा जब भी छापा, यही बस कहना चाहूंगा। देखा, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि ये फैसला जो लिया है वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी है, लेकिन साफ तौर से कह सकते हैं कि कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं। कुछ लोग और हैं, ये इनसे बात कर देते हैं। क्या नाम है जी? गवर्नर जो फैसला लिया है उसमें गवर्नर जो हमारे यहाँ की है उसमें कुछ नीति का वोट है। 2024 में चुनाव आने वाले हैं, इसे विपक्ष कमजोर होगा और विपक्ष को कमजोर करने के लिए इन्होंने नोटबंदी की हुई है और इसमें इस तरह से जो आम लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे देहात के लोग हैं, उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे आंटी जी खड़ी हुई हैं, इनका 2000 का नोट कोई नहीं ले रहा है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं जो नोटबंदी 2016 में हुई थी उसको लेकर साफ तौर से बड़ी लंबी लंबी लाइनें भी लगाई गई थी, लेकिन जो आम जन है उनको कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कत तो सामने आ रही है। महिला भी है जिनके पास, देखिए, ये 2000 का नोट लेकर आई है और इनका क्या कहना है, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपको? जयमाला नाम है मेरा। नोट बदल के नहीं दे रहे हैं, यूं कह रहे हैं जिप नोट यहाँ नहीं बदले जाएंगे, मेरे को भैया स्टेट बैंक में बदले जाते हैं कटे फटे नोट। नोट क्यों नहीं बदला जाएगा आपके बजाय पूछिए। नहीं, नकली थोड़ी है, नकली नहीं है, एक ही नोट है बस, खाली गलती से मेरे से धुल गया बस, और कुछ नहीं धुल गया, चेंज नहीं होगा। हाँ, तो आप मैनेजर से मिली? मैं किसी को जानती नहीं, 10 उधर भटका रहे हैं, 10 उधर बट्टे वाले के लिए कह रही है। देखिए जी, हमारे साथ एक महिला थी जो 1-2000 का नोट लेकर आए हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मतलब उनका नोट जो है कि वो धुलाई में धुल गया था, लेकिन वो अब मैनेजर से मिली और अन्य कर्मचारियों से मिले तो उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया, ये नोट नहीं चेंज होगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो आम जन है कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक नाराजगी भी देखी जा रही है। और जो तो जुशान, कहीं ना कहीं इस नोटबंदी के बाद से लोगों को ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्या आगे भी?
देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है जो 2000 का नोट 2016 से चलन में आया था तो उसके बाद से ही ये 2000 का नोट मार्केट से गायब सा हो गया था, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो आम जन है उनके पास 2000 के नोटों की बड़ी संख्या नहीं थी, और जो बैंक का जो नियम है आरबीआई के द्वारा जो सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि साफ तौर से के जो निर्देश दिए गए हैं कि 10 नोट जो 2000 के 10 नोट 20,000 रुपए वो अपने बैंक में मतलब वापसी मतलब जमा करके दोबारा दूसरे नोट ले सकते हैं, और जो बचत खाता है करंट अकाउंट है उसमें भी वो अपने आय से अधिक पैसा ना जमा करें जिससे कि आय की निगाह में आए, लेकिन जमा कर सकते हैं, तुम्हारा पैसा मतलब जो पैसा जमा करेंगे वो पैसा वापस मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मिडिल क्लास पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है, और जो हाई क्लास है जो बड़ा जो कह सकते हैं कि जैसे कि पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर निशाना साध रहा है कि कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी है, और इस तरीके का जो नोटबंदी कह सकते हैं कि नोटबंदी हुई है इस तरीके का फैसला नहीं लेना चाहिए। जी जी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद जिशा। तो आपको बता दे कहीं ना कहीं लोगों को इस नोटबंदी से मुसीबतों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दे अभी 4 महीने का वक्त है इस नोटबंदी को लेकर, वहीं रिजर्व बैंक ने लोगों को 4 महीने का वक्त दिया है इस नोट को बदलने के लिए, 2000 के नोट को बदलने के लिए 4 महीने का वक्त रिजर्व बैंक की ओर से दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इसमें मुसीबतों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमरोहा से विनीत अग्रवाल जुड़ चुके हैं। तो विनीत अग्रवाल, क्या कुछ असर पड़ रहा है अमरोहा में इस नोटबंदी से? सरकार ने जो है इस काले धन को वापस लाने के लिए पहले 1000 का नोट बंद किया था, उसके बाद में 500 का नोट भी पहले बंद हुआ है, और अब जो है अचानक से 2000 का जो नोट बंद होने का फैसला हुआ है वो कहीं ना कहीं आम इंसान को जो है फिर से मुसीबतों का सामना करने के लिए झोंकेगा, क्योंकि तो आम इंसान अपने 2000 का नोट को लेकर के बैंकों के चक्कर काटेगा, और इसमें जो कमीशन फोर है उनका इसमें आगे चल करके बहुत बड़ा मजा भी इसमें देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी परेशानी लोगों को है, तो इसलिए मेरे साथ कुछ लोग अमरोहा से जुड़े हुए हैं, मैं इनसे बात करूंगा। मेरे साथ एक तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, तो मैं राम सिंह सैनी से बात करूंगा इनसे। ये बताइए जो अभी नोटबंदी हुई है इसको, ये जो नोटबंदी हुई है ये कहीं ना कहीं देश हित में है, ये जो 2000 का नोट था वो अस्तित्व में कालाबाजारी उसकी ज्यादा हो रही थी, जो माफिया थे उन्होंने नोटों को डाल लिया है उनको, और कहीं ना कहीं उनको बेचैनी ज्यादा बढ़ गई होगी, और इसके साथ साथ इसमें आपने पहले देखा कि 500 का जो 1000 का नोट बंद हुआ था तो हमारे देश में तो कम से कम लोग परेशान हुए थे, लेकिन हाँ जो विदेशों में बैठे उनके आतंकियों के आका थे वो ज्यादा परेशान हुए थे, क्योंकि उनका जो एक फंडिंग होती है आतंकवादियों की वो फंडिंग का पैसा रद्दी बन गया, ना लोग ले आ सकते हैं ना ला सकते हैं, तो इसलिए वैसे ही अभी 2000 का नोट जो बंद हुआ है जो सितंबर तक इसकी मान्यता रहेगी, उसके बाद इसको रद्द कर दिया जाएगा। अब जितना ये काला धन दबा के रखा जिन लोगों ने भी जो कुबेर है नोटों के वो कहीं ना कहीं परेशान होंगे और वो इसको मार्केट में लेंगे। आम आदमी की अगर हम बात करें तो आम आदमी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अभी काफी समय से आरबीआई ने कहीं ना कहीं इस पर बैंड भी लगाया था, जो नया नोट नहीं छप रहा था 500 के नोट के अलावा, इससे बड़ा नोट जो 2000 का था वो नहीं छप रहा था कहीं ना कहीं। अभी मैं चैनल में देख रहा था जो दिखाया है 182 करोड़ नोट अभी चलन में रह गया है 2000 का, अब वो कहीं ना कहीं जब बाहर निकल के आएगा, आपने उस वक्त भी देखा था कि अब तक 1000 का जो पुराना नोट था वो नदी और नालों में जो फिका था वो किसका था, वो कहीं ना कहीं माफियाओं का था। वैसे ही अब 2000 का जो नोट है जो बैंक में आएगा कहीं ना कहीं इससे आम आदमी को भी फायदा होगा, क्योंकि जब वो जाता है ढूंढने के लिए तो वो भागा फिरता है, तो कहीं ना गरीब आदमी को दे दिया, कहीं लोग दे दिया, तो कहीं ऐसे लोग को भी मिलते हैं पैसे, मैंने देखा है अक्सर, तो अभी ऐसे लोग बहुत से हैं जो उस नोट को दाब के बैठ गए, अभी बड़ी रकम है और वो अमाउंट जब बैंक तक पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं देश हित में है, और देश के हित में कोई भी कार्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी जो निर्णय लेते हैं वो अटल लेते हैं और निर्णय लेते हैं और देश हित में निर्णय लेते हैं, मैं यही कहना चाहूंगा। तो ये तो भाजपा के वरिष्ठ नेता जो बता रहे हैं कि ये सरकार का जो फैसला है वो देश हित में है, ये आपका शुभ नाम क्या है जी? जितेंद्र सिंह है। ये बताइए कि आप कैसा मानते हैं इस फैसले को? ये फैसला सरकार का बहुत अच्छा फैसला है और आम जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी, जो भूमाफिया है बड़े लोग है उन्हें ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।
अच्छा मैं चाहूंगा कैमरामैन से एक बार इधर भी दिखा दें। आपका नाम क्या है जी? सतपाल सिंह। तो ये बताइए आप कैसा मानते हैं? सही मानते हैं, बढ़िया मानते हैं, सही है। जो भी निर्णय लिया मोदी जी ने बड़े लिए। मेरे साथ यहाँ पर कुछ मुसलमान भी हैं, आप बताइए आपका नाम? मोहम्मद मोहसिन है। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है, मैं ग्राम ढकिया चमन का रहने वाला हूँ, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। और ये जो फैसला सरकार ने लिया है बहुत अच्छा फैसला लिया है, इसमें आम आदमी को परेशानी नहीं है, आम आदमी को फायदा पहुँचेगा। जो भी नुकसान पहुंचेगा, मालदार आदमी को नुकसान पहुंचेगा और भूमाफिया को नुकसान पहुंचेगा, जो पैसे दबाए बैठे हैं उन्हें नुकसान पहुंचेगा। तो हर आदमी ये कह रहा है कि यहाँ भूमाफिया को नुकसान है। गुलाम अब्बास नाम है आपका, बताइए। गुलफाम नाम है, मोहम्मद गुलफाम, आप बताइए। उस फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और माननीय नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करता हूँ। तो आप बताइए साहब, आप इधर आदि, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश कुमार है। सरकार ने जो फैसला लिया वो ठीक है, अच्छा है। तो अमरोहा की तमाम जनता जो है वो इस फैसले को सही बता रही है और सभी लोगों का ये कहना है कि ये फैसला देशहित में है। जी, तो सबके बीच में एक अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है नोटबंदी को लेकर। वहीं इस नोटबंदी से क्या राजनीतिक गर्माहट भी शुरू हो चुकी है? आपको जहां 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, आपको बता दें, तो क्या इस 2024 के इलेक्शन में इस नोटबंदी को मुद्दा बना सकती है विपक्ष? ये बड़ी सटीक बात आपने पूछी है, जाहिर सी बात है मैं इनसे पूछ लेता हूँ, भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं। ये बताइए कि जो 2024 का चुनाव है, क्या इसे विपक्ष जो मुद्दा बनाएगा कि पहले नोटबंदी इन्होंने 1000 की थी, 500 की, अब 2000 की कर दी? आपको याद होगा 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष जब भी कह रहा था कि जो आने वाला चुनाव है उसमें इनको पड़ेगा, सामने देखना पड़ेगा, ये बहुत सारी बातें कह रहे थे। और आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में लगती जनवरी के फरवरी में चुनाव हुआ था, बम्पर जीत हुई थी। 2024 में इस पर कोई भी असर मैं समझता हूँ नहीं पड़ेगा, क्योंकि बड़ा नोट जो है, जो खास करके जो वोटर है, छोड़ अपना जो वोटर है, उस वोटर के पास ये 2000 का नोट नहीं है। एक दो नोट, दो चार नोट वो भी तो बैंक में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सितंबर तक का समय दिया है तो वो बैंक में जमा करा देंगे। बाकी जो बड़े नोट, जो बड़े काले बाजार करने वाले भूमाफिया हैं, जिनके पास गड्डी दबी है, करोड़ों में दबे हैं पैसे, असर उन पे पड़ेगा, वो ही सुर बजाएंगे। और ऐसा चाहे विपक्ष में बहुत सारे नेता ऐसे हैं कि जिन्होंने उस पर घोटाले करे हैं और जिनके पास नोट दबा पड़ा है और जिनको यही नहीं पता कि अथा नोट उनके पास है, वो पहले भी परेशान हुए थे, वो अभी परेशान होंगे। कवर टूटी है तो विपक्ष की टूटी है, क्योंकि काला बाजारी का काम उनका है, भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता का नहीं है। और देश में मजदूर टाइप के व्यक्ति पर 2000 का नोट नहीं है, उन पर 500 का ही हो सकता है। और बेचारा, मैं समझता हूँ सरकार की योजना इतनी आ रही है, तो बनना तो कांग्रेस पार्टी सरकार होती तो बहुत बुरा हाल होता, इसमें कोई भी फर्क 2024 में नहीं पड़ेगा। अमरोहा के जो तमाम लोग हैं, भाजपा के नेता हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2024 में प्रचंड बहुमत से जीत होने जा रही है और इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि इनको इस बात के लिए कहीं ना कहीं इलेक्शन में कुछ फायदा ही मिलेगा, कहीं उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा 2024 को लेकर। 100% यहाँ पर जो आवाम है, अधिकतर जो भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता है, वो लोग साफ तौर पर कह रहे हैं, क्योंकि जो नोट है 2000 का, वो जाहिर सी बात है कि गरीबों के पास बहुत कम मात्रा में मिलेगा, जो मिलता है वो माफियाओं के पास या ऐसे लोगों के पास मिल सकता है जो काला बाजारी को बड़े पैमाने पर अंजाम देते हैं। जी विनीत, इस पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें, भारत में एक बार फिर से नोटबंदी शुरू हो गई है। वही इसको लेकर हर जगह से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कहीं लोग इसे स्वीकार करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं इसे लेकर लोगों के बीच में डर भी देखने को मिला है। लोगों को बैंकों में लंबी लाइन लगाने का डर है, तो कहीं लोग इससे काले धन में कुछ कमी आने का भी आशंका जता रहे हैं। तो वहीं 7 साल बाद एक बार फिर से भारत में नोटों की चर्चा शुरू हो गई है। वहीं हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।